एसआई भर्ती में फर्जीवाड़ा, 11 पर केस, 3 गिरफ्तार, एसपी ने दर्ज कराया मुकदमा। एसआई भर्ती परीक्षा 2020-21 में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। यहां फर्जीवाड़ा गोरखपुर के न्यू सर्वोदय ऑनलाइन सेंटर पर किया गया है। पुलिस इस मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के एसपी की तहरीर पर 11 के खिलाफ जालसाजी, कूट रचित दस्तावेज तैयार करना, साजिश रचने और आईटी एक्ट का केस दर्ज किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के एसपी हफीजुर रहमान ने तहरीर दी, जिसमें एसआई भर्ती 2020-21 में फर्जी तरीके से युवकों को नौकरी दिलाने वाले गिरोह के बारे में जानकारी दी। तहरीर के मुताबिक इस मामले में 11 लोगों के नाम सामने आए हैं। इन सभी ने मिलकर भर्ती बोर्ड की परीक्षा में गलत तरीके से अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए मोटी रकम हासिल की और प्रमाण पत्र लगाए। हफीजुर रहमान की तहरीर पर पुलिस ने जौनपुर के कानापुर, सोनहिता के रितेश प्रतापगढ़ और असपुरा देवसरा के अतुल यादव, किला चौराहा आशियाना का अजय चौहान, बांगर कला करौंदी सुल्तानपुर का वीके सिंह उर्फ ब्रजीत सिंह, बलिया बेरिया शशि, फरीदाबाद हरियाणा के ब्रजपाल यादव, गोरखपुर गुलहरिया शिवपुर सहबाजगंज के अनुभव सिंह, न्यू सर्वोदय ऑनलाइन सेंटर गोरखपुर के एपीओसी आनंद कुमार सिंह, न्यू सर्वोदय ऑनलाइन सेंटर गोरखपुर सीपी सूरज कुमार मिश्रा, संस्था के आनंद मिश्रा व आईटी सुपरवाइजर जगदीश्वर पांडे के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। डीसीपी मध्य के मुताबिक इस मामले में आरोपी ने जौनपुर के रितेश कुमार, मूल रूप से बलिया मनियर सूर्यपुरा का अजय चौहान, आशियाना के किला चौराहे पर रहता है, और ब्रजीत सिंह उर्फ वीके सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से पुलिस टीम ने 104 अभ्यर्थियों के हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, कूट रचित चरित्र प्रमाण पत्र, 104 ब्लैंक चेक, 5 मोबाइल, 7100 नकदी और कूट रचित दस्तावेज व मुहर बरामद किया है।